हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आज भी मैं जा रही हूँ खेतों में गुड़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी ना खेतों का काम ख़त्म ही नहीं हुआ। आज तक हमने झंगोरे की गुड़ाई की और अब हम कर रहे हैं मंडुए की गुड़ाई। तो पहाड़ों का काम है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और आज मैं घर के पास ही करने वाली हूँ गुड़ाई। यहाँ ऊपर पे है घर और यहाँ पे है हमारा पोलिया हाउस, और आज हम करेंगे इस वाले खेत की गुड़ाई। ये देखिए, ये पूरा मंडवा का खेत है और इसकी गुड़ाई करने वाले हैं हम आज। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने से पहले मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने पोलिया हाउस कि यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है। ज़्यादा कुछ तो नहीं लगा हुआ है, पर देखते हैं। मैं भी बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ आज। तो ये देखिए, ये रहा पोले हाउस। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लग गए हैं टमाटर। इस वाली लाइन में ना पूरा टमाटर ही है उधर तक। तो अब ना धीरे धीरे पकने भी वाले हैं टमाटर। कोई कोई पक गए हैं और कोई अब पकने वाले हैं। और ये देखिए, फ्रासमिन भी हो चुकी है यहाँ पे तैयार। ये दूसरी टाइप की फ्रासबीन है, इसकी ऐसी बेल होती है। फ्रासबीन के तो वैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं, पर ये बेल वाली फ्रासबीन है। ये देखिए, और यहाँ पे करेला भी तैयार हो गया है। ये देखिए, तीखा वाला करेला है। पौधे, और ये देखिए, उस पे भी शिमला मिर्च लग गई है। अब इतने छोटे पौधों पे भी देखिए, इस पे तो दो दो शिमला मिर्च आ गए। तो ये रहा हमारा पोलिया हाउस। और ये देखिए, मिस्टर जी यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं और उन्होंने ही मेहनत करके ये सब किया हुआ है यहाँ पे। उनकी मेहनत से ही इतना कुछ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए टमाटर, कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए, तो ये था हमारा पोलिया हाउस और यहाँ पे इतनी चीजें हो रखी है आजकल। और अब मैं जाती हूँ खेत में, क्योंकि मुझे गुड़ाई करनी है। तो इस वाले खेत की गुड़ाई करूँगी और थोड़ी देर में सासू जी भी आ जाएंगे, तो साथ में करेंगे गुड़ाई। तो ये रहे हमारे कुदाल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करती हूँ गुड़ाई, फिर मिलूँगी आपको गुड़ाई करने के बाद। और आज ना मौसम भी थोड़ा ख़राब जैसा हो गया है, हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए। ये देखिए, बादल लग गए हैं, तो बारिश भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है आजकल पहाड़ों में और पूरी तरह ना सूखा पड़ गया है। तो हो सकता है काश कि आज बारिश आ जाए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको बाद में। अब यहाँ पे सासू जी भी आ चुकी हैं और अब साथ में करेंगे इस खेत की गुड़ाई, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा अब। तो फ्रेंड्स, गुड़ाई करने के बाद अब मुझे काटना है घास। और ये देखिए, यह है कंडी, इसमें काटूंगी मैं घास। तो चलिए, मैं घास काट लेती हूँ अब। और अब हवाएं भी चलने लगी है बहुत तेज। और ये देखिए, बारिश का मौसम बन गया है। और यहाँ पे हमने लगा रखे हैं बैंगन के पौधे और इन पे अब बैंगन भी आ गए हैं यहाँ से और वो उधर तक। सारे बैंगन के ही पौधे लगा रखे हैं। और ये देखिए, अब ना इन पे बैंगन भी लगने वाले हैं। और इनके बीच में ना सारी ये घास जम रखी है और मुझे काटना है ये वाला घास, तो मैं इस घास को काटूंगी अब। तो चलिए, मैं काटती हूँ इस वाले घास को। तो मैंने काट दिया है अब इसके बीच का घास। ये देखिए, इसका भी और इसका भी, और अब थोड़ा साफ लग रहा है। और ये है घास, इसको भी मैं अब कंडी में रखूंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना घास काट लिया है। अब ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लग गई है, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलती हूँ मैं घर को। बारिश तो हुई नहीं, पर बहुत तेज हवाएं चल रही है। और ये देखिए, मैं कुछ घास जो हमने खेत से निकाला था वो ले जा रही हूँ मछलियों को डालने के लिए। तो मैं इसे डालूंगी तालाब में मछलियों के लिए। तो मैं इस घास को डाल दूंगी इसमें। अभी आएंगी मछलियां और खाएंगी फिर। अभी ना बहुत तेज हवाएं चल रही है और मैं जा रही हूँ अपने गौशाले की तरफ। तो और यहाँ पे हमारे गाय भैंस पे भी बाहरी हैं, बैल उधर हैं और भैंस ये हैं। और ये देखिए हमारे बत्तख, ये भी अभी अंदर नहीं गए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा न्यू मेंबर आजा। और आज था इसका नामकरण संस्कार। तो ये देखिए हमारे पहाड़ों में, तो हमारे पहाड़ों में जब गाय भैंस के बच्चे होते हैं तो 9 या 11 दिन तक उसके जो दूध होता है उसे नमक में नहीं खाया जाता है, नमक के साथ नहीं खाते हैं, तब तक उसको वैसे ही पीते हैं। और जब 9 या 11 दिन के बाद उनके बच्चों का नामकरण होता है, ये देखिए हमने इस पे ये भी बांधा हुआ है ये धागा, और इसका टीका भी लगाया हुआ है, क्योंकि आज हमने किया है इसका नामकरण संस्कार। तो आज से हम मतलब भैंस के दूध को नमक में खा सकते हैं, तो इसीलिए किया जाता है और 11 दिन तक नहीं खाया जाता है। तो ये है हमारा न्यू मेंबर, ये देखिए। और अब इन बतखों को भी डाल देती हूँ मैं अंदर। अभी मैं आई हूँ अपने छत पे और ये देखिए अभी कितनी तेज हवाएं चल रही है और हल्की हल्की ना बारिश भी हो रही है, पर बारिश तो होगी नहीं वैसे, सिर्फ हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे रॉकी को, ये भी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए आजा रॉकी। नो तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो मिलूंगी आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।